नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर के क्या पावर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमें देखनी जरूरी है, एक फेमस कोट है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि आपके पास अगर कोई जॉब है या फिर कोई पोजीशन है, वहाँ पे आपको जितने पावर्स मिल रहे हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल रही है। अगर आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो तो जितने पावर्स आपके पास है उतनी से ही ज़्यादा हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आईएएस ऑफिसर के यही खासियत है कि कोई लोग इसे पावरफुल समझते हैं, लेकिन अगर आप एक आईएएस ऑफिसर की बात करें तो वो पावर से ज़्यादा इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो पहली चीज़ ये है कि टू मैनेज गवर्नमेंटल अफेयर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो गवर्नमेंट डेली गवर्नमेंट अफेयर्स होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसे मैनेज करने की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंप्लीमेंट एंड सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो जो जो गवर्नमेंट पॉलिसी सैंक्शन होके आती है सेंटर से, स्टेट से, स्टेट गवर्नमेंट से, वो सारी सही से इंप्लीमेंट हो रही है क्या, उसे सुपरवाइज करने का काम एक आईएएस ऑफिसर का होता है। डिसबर्स फंड्स एंड रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड अपकीप द एंड मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो सारा फंड एलोकेट हो रहा है, जो सारे रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो वो सही से डिसबर्स हो रहा है क्या, उसका डिसबर्समेंट का काम भी एक आईएएस ऑफिसर का होता है। एंश्योर जीरो इररेगुलरिटीज इन फंड मैनेजमेंट एज द ऑफिसर इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट एंड रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये सारे जो फंड अलोकेट हो रहे हैं तो उसके अंदर इररेगुलरिटीज कुछ हो रही है क्या, कुछ करप्शन हो रहा है क्या, तो ये सही से जिसे गवर्नमेंट ने एलोकेट किया हुआ है फंड, जो काम के लिए किया है, जिसे मिलना चाहिए वो उसे मिल रहा है क्या, ये सारी प्रोसेस जो है वो एक आईएएस ऑफिसर को अपने ज्यूरिसडिक्शन में देखनी होती है, क्योंकि वो आंसरेबल होता है सेंट्रल पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे चेंज होती है। एट सब डिविजनल लेवल, तो सब डिविजनल लेवल पे जो है, पोस्टेड एज सब डिविजनल लेवल ऑन द पोस्ट ऑफ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द करियर। तो जो सब डिविजनल लेवल होता है उस पे जो आपकी पोस्ट होती है वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की होती है, और ये करियर के बिगिनिंग में आपको ये मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है आपको मेंटेन करनी होती है। उसके बाद है लुक आफ्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल वर्क इन द एरिया एलोकेटेड अंडर देयर ज्यूरिसडिक्शन। तो जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, जो डेवलपमेंटल वर्क होते हैं, उसे देखना होता है अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट लेवल जो होती है, नेक्स्ट प्रमोशन होता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो डिप्लॉयड ऑन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पोस्ट और एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्यूटी कमिश्नर। तो आप जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हो, आइदर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनते हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हो या डिप्यूटी कमिश्नर बनते हो, तो यहाँ पे पावर्स जो है सेम ही आते हैं, लेकिन आपका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो जाता है। तो आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स देखने होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद इम्प्लीमेंट एंड सुपरवाइज द डेवलपमेंट वर्क। तो डेवलपमेंट वर्क जो है वो इम्प्लीमेंट और सुपरवाइज करना होता है। नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है स्टेट लेवल की। तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपका प्रमोशन हो जाता है स्टेट लेवल पे। प्रोमोटेड टू स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर बीइंग प्रमोटेड फ्रॉम पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो आपका जब स्टेट लेवल पे प्रमोशन होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, आप स्टेट लेवल पे जाते हैं। पोस्ट एज अ ब्यूरोक्रैट इन द स्टेट सेक्रेटरीट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो आप जो स्टेट सेक्रेटरीट बनते हैं या फिर कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनते हैं स्टेट लेवल पे। यूजेस फील्ड एक्सपीरियंस इन पॉलिसी फॉर्मेशन एंड एडवाइसेस द इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स फॉर पॉलिसी डिसीजन। जो आपका जो एक्सपीरियंस होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सब डिविजनल लेवल पे, ये एक्सपीरियंस आप यूज़ करते हो पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए। जो जो पॉलिसीज बनते हैं उसके लिए आप अपना फील्ड एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं, और जो डिसीजन मेकिंग होते हैं पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, उन्हें आप एडवाइस करते हो कि अगर ऐसी ऐसी पॉलिसीज हम लाए तो यहाँ पे ये बेनिफिट हो सकता है। तो ये स्टेट लेवल पे आपका ये काम होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, तो जो बड़े बड़े PSUs होते हैं, जो गवर्नमेंट रन्ड होते हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि नया ट्रेंड है कि जो ये बड़े बड़े बिग PSUs है वहाँ पे IAS ऑफिसर इसे हेड कर रहे हैं।
तो जैसे BSNL एक PSU है, इंडियन जो एयरलाइंस है वो एक PSU, ये गवर्नमेंट रन है। तो यहाँ पे जनरली होता क्या है कि यहाँ पे एक IAS ऑफिसर को इसका हेड बनाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेंट्रल लेवल की, तो सेंट्रल लेवल ये सबसे टॉप हायरार्की होती है, यहाँ पे बहुत कम लोग जा पाते हैं। सर्व एज कैबिनेट, आइदर आप कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हो, सेक्रेटरी बनते हो, या एडिशनल सेक्रेटरी बनते हो, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, या फिर अंडर सेक्रेटरी, या फिर कोई भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री के अंदर आपको यहाँ पे लाया जाता है। तो यहाँ पे आपका काम क्या होता है कि टू फॉर्मुलेट एंड ओवरव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में आप जो पॉलिसीज फॉर्मेशन का काम करते हैं, ओवरव्यू करते हैं कि क्या पॉलिसीज बन रही है, आपके सजेशंस रहते हैं कि ऐसे ऐसे पॉलिसीज बननी चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ का आपका जो फील्ड एक्सपीरियंस है, राइट फ्रॉम सब डिविजनल लेवल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल टू स्टेट लेवल, यहाँ पे आपका काम आता है जब आप सेंटर में जाते हो। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ है कि IAS ऑफिसर के जो पावर है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फंक्शंस है, ये एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन जो है चेंज होती रहती है। आप इन्फ्लुएंस एरिया इज़ वेरी ब्रॉड, उसके बाद जो डिसीजन आप लेते हो ये सोसाइटी का कोर्स ही चेंज कर सकती है। तो आपने कई बार देखा होगा कि एक IAS ऑफिसर अगर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि जो सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज होते हैं वो सही से इम्प्लीमेंट होते हैं, वहाँ पे करप्शन नहीं होता है, जो सब्सिडीज़ या फिर जो भी पॉलिसीज जो जिसको मिलने चाहिए उसको बराबर मिलते हैं। तो यहाँ पे आप एकदम लास्ट पर्सन को आप यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इसीलिए IAS जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है कि कंसर्न पर्सन इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड नेचुरल डिजास्टर। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है, दंगे हो जाते हैं या फिर नेचुरल डिजास्टर या कुछ कैलेमिटी आ जाती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, मीडिया के लिए भी, उस पर्टिकुलर एरिया का IAS ऑफिसर होता है और वो सिचुएशन का इंचार्ज होता है। तो इस वजह से IAS की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो पावर्स है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।